हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपको फिर से एक डबल कलर का यूनिक सा पैटर्न लेके आई हूँ। तो डबल कलर के स्वेटर डिज़ाइन है, आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। लेडीज़, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, बेबी गर्ल कार्डिगन, कैप में भी इसे डालो, ब्लाउज़ के डिज़ाइन में भी डालो, तब भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगेगी। और फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी डिज़ाइन है। अगर आप ये सोच रहे हो कि बस इधर एक फंदे कर दो, इधर एक फंदे कर दो तो डिज़ाइन बन जाएगी, बहुत ही गलत हो आप। बिल्कुल भी ऐसा पैटर्न ये नहीं है। आप समझ लीजिए कि बस आप बिनते हुए चले जाओगे, आपकी डिज़ाइन बिनते चले, बिल्कुल भी फंदे इधर उधर हमको नहीं करना है। कोई भी फंदे का अदला बदली नहीं करना है, बस हमको ऐसे ही बिनते हुए जाना है। सिर्फ हमको कलर का चेंज करना है बस, बाकी ये इतनी खूबसूरत डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए, हमारी राइट साइड, ये हमारी बैक साइड, आप देख सकते हो बहुत ही स्ट्रेचेबल भी डिज़ाइन है, ऊन भी ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें। तो चलिए, इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड सीधे की तरफ से हम शुरू करेंगे। तो बॉर्डर बनाने के बाद आप फंदे बढ़ा लो। इसके बाद राइट साइड सीधे की तरफ से हम पहली रो, फर्स्ट रो, पहली सिलाई शुरू करेंगे। तो जैसे ही शुरू करेंगे वैसे ही हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। तो फर्स्ट रो, पहली सिलाई, ये देखिए कलर लगा लिए। अब देखिए, एक फंदा बुना, ध्यान से देखिएगा, फोर रो की डिज़ाइन है। अब फोर रो हम तिरछा करते हैं, मान के चलिए एट रो, आठ सिलाई। तो दो फंदे बुने, तीन, चार, चार फंदे बुन लिए। अब देखिए, दो को हम स्लिप कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी पैटर्न है, एक बार आप देख लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चार फंदे फिर से हम सीधा बुन लिए, अब दो फंदे को स्लिप कर लेंगे, बिना बुने उतार लेंगे, फिर से चार फंदे को हम बुन लेंगे। अब जितने का प्रोजेक्ट हो आपका, जितने भी फंदे हो, पहली सिलाई आप ऐसे ही बिनते हुए चले जाइए। अब सेकेंड रो, दूसरी सिलाई, अब देखिए जो बुना वाला फंदा उसे हम बुन लेंगे, पहले को स्लिप किया, बाकी के फंदे को हम बुन लेंगे जो बुना हुआ है, और जो स्लिप वाला फंदा उसे हम स्लिप कर लेंगे। चार हमने बुना था, चार हमने बुन लिया, दो हमने स्लिप किया था, दो हमने स्लिप कर लिया, फिर से चार बुनेंगे, हो गया। अब फिर से दो हम स्लिप करेंगे, फिर से चार बुनेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी सिलाई, सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो दो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो, तीसरी सिलाई देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ही इजी पैटर्न है। अब तीसरी सिलाई देखिए, हमको कलर चेंज करना है, दो हम इस कलर से बनाएंगे, दो हम इस कलर से। तो जो चार फंदे हमने रेड कलर से बनाए हैं, वो चार फंदे हम सीधा ही बुनेंगे, लेकिन सफ़ेद कलर से, अपने इस वाले कलर से। एक, दो, तीन, ये चार। अब स्लिप वाले फंदे को हम फिर से स्लिप ही करेंगे, देखिए एक, दो, फिर चार बुनेंगे, एक, दो, तीन, ये चार, फिर से स्लिप करेंगे, फिर से चार फंदा बुनेंगे। अब देखिए, तीसरी सिलाई भी हमारी इसी प्रकार से कंप्लीट हो गई। अब चौथी सिलाई देखिए, अब जो हमने ये बुने हैं चार फंदे, उसे हमें सीधा बुनना है, उल्टे की तरफ चौथी सिलाई, लेकिन फंदे हमको सीधे बुनने हैं। तो पहले को स्लिप किया, बाकी के तीन फंदे हम ऐसे ही सीधा बुन लेंगे, ये चार। तो चार फंदे हो गए। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब धागा फिर से पीछे करेंगे और चार फंदे को हम सीधा बुनेंगे, ये धागा फिर से अपनी तरफ लाएंगे और जो स्लिप वाले फंदे उसे हम स्लिप कर लेंगे, धागा फिर से पीछे ले जाएंगे और चारों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। अब आइए फिफ्थ रो, पांचवी सिलाई। पांचवी सिलाई फिर से हम अपने कलर को चेंज करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, पांचवी सिलाई, अब हमको इन दो फंदों को स्लिप करना है, दो फंदे ये और एक फंदे इधर से, एक फंदे इधर से, ये चार फंदे हमको बुनने हैं, ये दो स्लिप करने हैं, इसको भी बुनने हैं।
ये एक फंदा बुना। अब देखिए चार फंदे के बीच वाले दो फंदे हम स्लिप कर लेंगे, बाकी फिर से चार फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार, फिर से दो स्लिप करेंगे, एक दो तीन चार, फिर से दो स्लिप करेंगे, ये। अब देखिए पांचवी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो स्लिप वाले फंदे हैं उसे हम स्लिप करेंगे, जो बुना फंदा उसे हम बुन लेंगे, ये किनारे का हम वैसे भी स्लिप करते हैं। ये हमारी हो गई छठी सिलाई। देखिए छठी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब आइए सेवेंथ रो, सातवीं सिलाई। जैसे मैंने आपको बताया कलर को हम चेंज करेंगे, ये स्लिप वाले फंदे को स्लिप करेंगे और बाकी चार फंदे हम इसी कलर से बुनेंगे। स्लिप वाले फंदे को स्लिप करेंगे, बाकी चार फंदे हम इसी कलर से बुनेंगे। स्लिप वाले फंदे को स्लिप किया, तो ये सेवंथ रो भी कंप्लीट हो गई। अब एट्थ रो, अब देखिए इसे हमने स्लिप किया, धागे को आगे करेंगे, स्लिप वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और इन चार फंदों को हम सीधा बुनेंगे। आठवीं सिलाई है और डिज़ाइन की फोर्थ रो जैसे बनाए हैं वैसे ही हमको ये एट्थ रो बनानी है और यही हमको बार बार पैटर्न भी रिपीट करना है। तो जो फोर्थ चार फंदे हमने बनाए हैं उसे हम सीधा बनाएंगे, स्लिप वाले फंदों को हम धागा आगे करेंगे और स्लिप कर लेंगे, ये। तो ये एट्थ रो हमारी कंप्लीट और डिज़ाइन भी हमारी कंप्लीट। अब फिर से जब हम पैटर्न शुरू करेंगे तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट रो से बताया, चार फंदे हम रेड से बनाएंगे, दो स्लिप करेंगे, फिर चार फंदे हम बनाएंगे, फिर दो स्लिप करेंगे, तो इस प्रकार से यही एट्थ रो हम बार बार रिपीट करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत पैटर्न है। तो जब ये मैंने आपको पहले दिखाया, जब यही एट्थ रो बार बार रिपीट करेंगे तो ये वाला पैटर्न हमारा कंप्लीट होगा। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत पैटर्न है, बिल्कुल भी हमको फंदे का अदला बदली भी नहीं करना और कितनी खूबसूरत बर्फी कट में हमारी डिज़ाइन बनती हुई चली गई। अब आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हो, बचे हुए ऊन से आप डबल कलर में बनाओ, कैसे भी बनाओगे तब भी ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगी। बहुत ही यूनिक सा पैटर्न है, आप किसी भी प्रोजेक्ट पर बनाओगे बहुत ही अच्छी लगेगी और ऊन भी आपने देख लिया बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी हमें ट्राई करना, इसके बाद हमें बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।